हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ से। तो आज हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको चार पार्ट्स गिवन है बेटा, टू पार्ट्स मैंने अभी यहाँ लिखे हुए हैं। दोनों पार्ट्स में हमको ये बताना है क्या x प्लस वन इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा या नहीं। ठीक है, तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे बेटा, फैक्टर थ्योरम। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, कि x माइनस ए फैक्टर होगा अगर p ऑफ a क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए की जगह क्या है अपना, x प्लस वन है। राइट, तो यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, है ना, या तो इसको जीरो के इक्वेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी माइनस वन, और क्या कर सकते हैं अपन इसको x माइनस ए से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे सो a इज इक्वल टू माइनस वन, और a ही क्या है बेटा अपना, x भी है, तो दोनों वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अब हम क्या करेंगे p ऑफ x में, है ना, x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, x की जगह a रखेंगे, और चेक करेंगे आंसर जीरो आता है या नहीं। अगर आंसर जीरो आ जाएगा तो कह देंगे फैक्टर है, और नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट p ऑफ a, और p ऑफ a क्या है बेटा अपना, p ऑफ माइनस वन है, मतलब x की जगह माइनस वन रखना है। सो दिस इज माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करवाएंगे, माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन ही रहेगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस वन, अगेन प्लस वन एज इट इज। तो यहाँ से देखिए माइनस वन से ये प्लस वन गया, माइनस वन से ये प्लस वन गया, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, जीरो मिल गया। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम क्या कह देंगे कि यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो दिस वॉज योर पार्ट नंबर वन, नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर टू। अगर आप चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम व्हाट इज द स्टेटमेंट, देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट है, सेम पार्ट के लिए, मतलब यहाँ पे भी x प्लस वन के लिए चेकिंग करनी है ना, तो a की वैल्यू तो आपकी, मतलब a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस वन ही रखना है। ठीक है, बट हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, चेंज हो गया, दिस इज x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो अब हमें p ऑफ a मीन्स p ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करना है। सो माइनस वन पावर 4 प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, तो मैंने x की जगह माइनस वन रख दिया। ठीक है, सॉल्व करवाएंगे, माइनस वन की पावर इवन है, 4 इज अ इवन नंबर, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस वन की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, माइनस वन का स्क्वायर है ना, तो हमेशा पॉजिटिव वन आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करवाएंगे, प्लस वन से माइनस वन गया, प्लस वन से माइनस वन गया, बट अभी एक वन बच गया, मीन्स हमें अल्टीमेटली आंसर क्या मिला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो आई कैन से पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे कि वेदर द गिवन फैक्टर इज वेदर द गिवन नंबर इज फैक्टर और नॉट फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट थर्ड एंड फोर, नंबर थ्री। यहाँ पे भी आपको सेम x प्लस वन के लिए टेस्टिंग करनी है कि x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ x हमें क्या दे रखा है, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। टेस्टिंग किसके लिए करनी है, x प्लस 1 के लिए, तो ये हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो नाउ वी विल कैलकुलेट p ऑफ a, राइट, और p ऑफ माइनस 1 आई कैन सी, तो x की जगह या a की जगह माइनस 4 रखना है। तो लेट्स पुट इट, दिस इज प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, लेट्स सॉल्व इट, दिस विल बी माइनस वन की पावर इवन नंबर है तो आंसर विल बी इन प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट, माइनस वन का क्यूब है तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस, तो थ्री वन जा थ्री,
माइनस वन का स्क्वायर है तो प्लस में आएगा, वन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का थ्री रहेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस का वन प्लस वन आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करवा लेते हैं। माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा, प्लस वन बचा। मीन्स पी ऑफ ए आपको जीरो नहीं मिला, यहाँ से हमें पी ऑफ ए कितना मिला है, प्लस वन के इक्वल मिला है। तो आई कैन से पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वॉट वी कैन से, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। तो आई कैन से एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। Okay, so this was your part number 3. Let's move to the part number 4. So now part number 4 के लिए भी हमें polynomial given है और अपना factor हमें same x plus 1 ही test करना है कि ये इसका, sorry, this is minus, ये इसका एक factor है या नहीं। ठीक है, तो let's check it। x की जगह a और a कितना आया था, minus 1 आया था। ठीक है, तो now let's calculate p of a और p of minus 1। Now let's put the value, x की जगह माइनस वन, तो दिस विल बी माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर, देन अगेन माइनस टू प्लस रूट टू इन ब्रैकेट, और इस x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस वन प्लस रूट टू। नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस वन का क्यूब दिस विल बी माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर दिस विल बी प्लस वन, एंड प्लस विल मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दिस विल बी माइनस वन। ठीक है, नाउ अब ये माइनस वन बेटा पहले प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस को चलिए बाहर रख देते हैं, पहले इस पूरे को सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए क्या आएगा, टू विल मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन प्लस अंडर रूट टू विल मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, ऐसे सॉल्व होगा ये पहले पूरा। ठीक है, प्लस रूट टू एज इट इज, अगेन माइनस वन माइनस वन, माइनस टू हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन, तो माइनस टू प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दिस विल बी रूट टू एंड प्लस रूट टू। राइट, अगेन लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट, माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू माइनस माइनस प्लस अंडर रूट टू, और बाहर भी क्या है, प्लस रूट टू है। ठीक है, सो अल्टीमेटली माइनस टू से माइनस टू गया बट प्लस टू रह गया, तो दिस विल बी टू रूट टू। रूट टू प्लस रूट टू कितना आएगा, टू रूट टू आएगा। ठीक है, तो मतलब पी ऑफ माइनस वन आपको जीरो के इक्वल नहीं मिला, p of minus 1 is not equal to 0, or I can say p of a is not equal to 0, so we can say x plus 1 is not a factor of p of x, okay? So this was your question number 1, fourth part completed. Now let's move to the question number 2. क्या है question number 2 में? Use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. यहाँ पे आपको three cases given है, px given है, gx given है, और क्या पूछना चाह रहा है बताइए, gx इस polynomial px का एक factor है या नहीं। तो gx की value अगेन यहाँ x plus 1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको compare करते हैं, x plus 1 को किससे compare करेंगे, x plus a से, तो a is equal to what, minus 1, और इसी को हम x भी कहते हैं। राइट, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, x की जगह a और a की जगह माइनस वन रखना है और चेक करना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है या नहीं। नाउ लेट्स पुट इट, p ऑफ a और p ऑफ माइनस वन, तो दिस विल बी टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन प्लस वन। लेट्स सॉल्व इट, टू एज इट इज, माइनस वन का क्यूब दिस विल बी माइनस वन, तो माइनस वन विल मल्टीप्लाइड बाई टू, तो दिस विल बी माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और प्लस वन आगे भी प्लस है तो प्लस का वन ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, टू इंटू वन टू हो जाएगा, देन प्लस का वन, तो माइनस टू से माइनस टू गया बट वन प्लस वन कितना मिला, टू। मीन्स पी ऑफ ए की वैल्यू आपको टू मिली, मीन्स पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो वॉट वी विल से, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2 में, पॉलिनोमियल गिवन है आपको पी एक्स और जी एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस टू। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्स प्लस टू को किससे कंपेरिजन करेंगे हम, एक्स माइनस ए से। तो देखिए यहाँ से ए कितना मिलेगा अपन को, माइनस टू, और एक्स भी कितना हो जाएगा, माइनस टू। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, p ऑफ
ए कैलकुलेट करना है, मीन्स पी ऑफ माइनस टू कैलकुलेट करना है और चेक करना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है या नहीं. ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक इट. माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन. सॉल्व इट. माइनस का क्यूब तो माइनस मिलेगा और टू का क्यूब एट होता है, फिर प्लस साइन है. माइनस का स्क्वायर प्लस मिलेगा और टू का स्क्वायर फोर होगा. प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड थ्री टू जा सिक्स प्लस वन. अगेन सॉल्व इट. दिस इज माइनस एट, दिस इज माइनस सिक्स, है ना. दो नंबर पे डिफरेंट साइन है तो दोनों का एडिशन होगा और माइनस का साइन आगे आएगा. तो माइनस एट माइनस सिक्स करोगे तो माइनस फोर्टीन, प्लस का फोर प्लस का वन, तो दिस विल बी प्लस का फाइव. तो आंसर कितना आया, नाइन. और किसका, माइनस का. ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस है. तो माइनस नाइन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स पी ऑफ ए अपना माइनस नाइन कैलकुलेट हुआ, मीन्स पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो वी विल से जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. ठीक है, तो दिस फॉर योर पार्ट नंबर टू. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर थ्री. पार्ट नंबर थ्री है बेटा आपका, यहाँ पे जी एक्स कितना दे रखा है, एक्स माइनस थ्री. तो पहले हम सबसे पहले एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस ए से कंपेरिजन करेंगे. तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, थ्री, या एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी ए पे, थ्री. अब अपन क्या करेंगे, पी ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे या पी ऑफ थ्री कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी थ्री का क्यूब माइनस फोर, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स. सॉल्व इट. थ्री का क्यूब, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, माइनस साइन. थ्री का स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन एंड नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, प्लस थ्री प्लस सिक्स. सॉल्व इट. ट्वेंटी सेवन प्लस का है, थ्री भी प्लस का है, तो दिस इज थर्टी, और सिक्स भी प्लस का है, तो दिस विल बी थर्टी सिक्स. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री प्लस सिक्स, और माइनस थर्टी सिक्स को पीछे शिफ्ट कर दिया. तो ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स करोगे तो थर्टी सिक्स एंड देन माइनस थर्टी सिक्स. तो थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स विल बी जीरो, मीन्स पी ऑफ ए अपने पास कितना कैलकुलेट हो गया, जीरो. इट मीन्स पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू जीरो आ गया. आई कैन से जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. ठीक है, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टू. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री. नंबर थ्री में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, x माइनस वन इन चारों पार्ट्स का एक फैक्टर है. ठीक है, इट मीन्स अगर x माइनस वन एक फैक्टर है बेटा, तो याद करो अपनी फैक्टर थ्योरम का जो सेकेंड स्टेटमेंट था, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर देन p ऑफ a विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, अगर x माइनस ए एक फैक्टर होता है तो p ऑफ a हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, तो यही स्टेटमेंट अपन को यहाँ यूज करना है. हमसे दिया हुआ है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो वी विल राइट इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर देन p ऑफ वन शुड बी जीरो. व्हाई आई हैव रिटन p ऑफ वन, बिकॉज आई हैव कोरिलेट x माइनस वन विद x माइनस ए. तो a की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, तो p ऑफ a जीरो होना चाहिए. यहाँ p ऑफ वन जीरो होना चाहिए. ठीक है, जीरो होना नहीं चाहिए, जीरो होगा ही, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर गिवन है. तो p ऑफ वन जीरो डेफिनेटली होगा. ठीक है, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट p ऑफ वन, देन वी विल इक्वेट इट टू जीरो एंड विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. p ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो विल बी ट्रू. नाउ सॉल्व इट. वन का स्क्वायर वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, सो के इज इक्वल टू माइनस टू. प्लस टू को उधर लेके जाओगे तो माइनस टू हो जाएगा. तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस टू आ गई, है ना. तो यही हमसे जानना चाह रहा था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो k इज इक्वल टू माइनस टू फॉर द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी सेम, x माइनस वन फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ भी p ऑफ वन शुड बी जीरो. आप फिर लिखेंगे इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर देन p ऑफ वन शुड बी जीरो. ठीक है, नाउ कैलकुलेट p ऑफ वन. तो दिस विल बी टू वन का स्क्वायर प्लस के वन प्लस रूट टू एंड इट शुड बी जीरो. नाउ टू इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस के इंटू वन के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, सो टू
प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. सो के इज इक्वल टू वॉट, के को यहीं रहने दीजिए, प्लस के टू को उधर भेजेंगे तो माइनस का टू, और प्लस का रूट टू उधर जाएगा तो माइनस का टू, ठीक है, रूट टू. तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस टू माइनस रूट टू, ठीक है. तो दिस इज योर के. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन. अगेन एक्स माइनस वन फैक्टर होना चाहिए, तो पी ऑफ वन किसके इक्वल होगा, जीरो के, ठीक है. तो नाउ लेट्स कैलकुलेट पी ऑफ वन. तो दिस विल बी के वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इन टू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो दिस इज के, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो के आ जाएगा माइनस रूट टू, रूट टू इन टू वन रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से बताइए बेटा के कितना आएगा, माइनस रूट टू उधर जाएगा तो प्लस का रूट टू, प्लस का वन उधर जाएगा तो माइनस का वन. तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, रूट टू माइनस वन आ गई, ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट. पार्ट यहाँ भी एक्स माइनस वन फैक्टर होना चाहिए, सो पी ऑफ वन शुड बी जीरो. तो पी ऑफ वन कितना होगा यहाँ पे, के वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, एंड दैट ऑल शुड बी इक्वल टू जीरो. सॉल्व इट, के इंटू वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन और वन इंटू के माइनस थ्री इंटू वन थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. देखिए बेटा प्लस का के कितना हो जाएगा, ये प्लस का टू के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से टू के इज इक्वल टू, माइनस थ्री को उधर भेजोगे जीरो के पास तो प्लस थ्री हो जाएगा. तो के इज इक्वल टू वॉट, के में टू मल्टीप्लीकेशन में है ना, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो के इज इक्वल टू 1.5, ठीक है. तो इस तरीके से अपन ने चारों के की वैल्यू चारों पार्ट्स के लिए कैलकुलेट कर ली है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बने रहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.